आज हम लोग जेस्कॉम हेड ऑफिस को आए थे, जो राहुल तुकाराम सर आईएएस हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेस्कॉम के, तो उनको फैसिलिटेशन करने के लिए। क्योंकि राहुल सर ये जो सस्पेंड किए हैं जो आईडीसी के चार्जेस को लेके, उससे गरीब लोगों को इम्पैक्ट होने वाला था बहुत सारा, कि बहुत सारा ह्यूज अमाउंट उनको पे करना पड़ रहा था अननेसेसरी, जो फुली इलेक्ट्रिफाइड एरिया नहीं होता है, जो आउटस्कर्ट्स एरिए होते हैं, तो गरीब अगर कोई मीटर लेना चाहता है तो बहुत ज़्यादा उसको चार्जेस पे करने पड़ रहे थे हज़ारों रुपये में। तो सर के हमने नोटिस में लाने के बाद उन्होंने विद इन ए वीक इसको है ना सस्पेंड कर दिया वो नोटिफिकेशन को, और उन्होंने ये भी कहा कि कंसर्न जो है के ई आर सी से भी ये अप्रूवल लेंगे, तभी जाके जो है फर्दर जो भी चार्जेस है वो क्लेम करेंगे कंज्यूमर से। और सर का ये पहला कारनामा नहीं है, सर हमेशा पब्लिक वेलफेयर और वीकर सेक्शंस के वेलफेयर में काम करते आए हैं, तो सर का ये एक और एक पब्लिक के लिए एक फेवर है। तो इसलिए हम लोग राहुल तुकाराम सर का हम लोग तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से, मुबीन भाई और पूरे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एमडी सर का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम जेस्कॉम के हेड ऑफिस मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस गए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल तुकाराम पंडवे सर को आज हम गारलैंडिंग किए कि एक हफ्ते पहले हम एक बड़े इशू से पब्लिक को जो डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं कि नए मीटर लेने के लिए, तो वो मीटर के वायलेशन जो अमाउंट हो रहा है बहुत ह्यूज अमाउंट हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, वे बोल के एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो एमडी साहब हमारे को एश्योरेंस दिए थे कि मैं इसके बारे में गौर फिक्र करता हूँ कि जल्द से जल्द डिसीजन लेता हूँ। सिर्फ एक ही हफ्ते में पिछले 3 तारीख को साहब ने वो विड्रॉ कर दिया है कि ये जो अमाउंट ले रहे थे ये गलत था, वही बोल के उन्होंने उसको विथहेल्ड कर दिया है। तो ये जो अमाउंट लिया जा रहा था एंटायर हैदराबाद कर्नाटका रीजन में, ना कि सिर्फ गुलबर्गा सिटी में, ये तमाम पूरे ये रीजन के लिए जहाँ तक जेस्कॉम आता है वहाँ तक एप्लीकेबल होता है। तो वो 3 तारीख के बाद से साहब यहाँ पे लोकल में नहीं रहने के बाद, कोपड़ वगैरह इधर उधर ट्रैवलिंग रहने की वजह से हम आज उनकी गुलपोशी आज किए हैं। तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो ये पब्लिक के हित में उन्होंने काम किया है। इससे पहले भी हमने एज ए प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट रहते बावजूद भी बहुत सारे अटैम्प्ट हम लेटर्स वगैरह दिए हैं, तो फॉलोअप करने से कुछ हमारे इसमें डिले हुआ, लेट हुआ। तो फिर बाद में हम रियाज खतीब एंड टीम मिलके साहब से कन्वेंस करके, मैनेजिंग डायरेक्टर से कन्वेंस करने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने ये ऑर्डर को विथहेल्ड कर दिया है। तो इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम लोगों से और दूसरे भी अमाउंट्स के लेकर जो ले रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसा कि जो आउटस्कर्ट्स रिंग रोड के बाहर के एरियाज़ को जो चार्जेस लिया जा रहा है, उसके बारे में भी साहब जल्द से जल्द डिसीजन लेके जो जो भी मसले हैं वो पब्लिक के हित में करने के लिए एश्योरेंस दिए हैं, इंशाल्लाह वो भी पूरे होंगे। तो मैं लिहाजा तमाम टीम का, रियाज खतीब एंड टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसमें जद्दोजहद थी जिसमें अंदर हम ये स्टेज तक पहुँचे हैं, और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। I never